सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनके लॉ पॉइंट। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का शुक्रिया जो आपको इस चैनल पे दी जाने वाली बेसिक लीगल इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है, आप लाइक शेयर कमेंट कर रहे हैं। दोस्तों, आपको वीडियोस में कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप मत करना। चलिए दोस्तों, बताता हूँ कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है कि मान लीजिए आपने किसी को पैसे दिए हैं, आपने किसी को बाय चेक पैसे दिए हैं या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट किया है या ऑनलाइन पेमेंट किया है, NEFT किया है, या आपने कोई कैश अमाउंट दिया है। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि कैश अमाउंट की कोई एविडेंस नहीं होता, मगर आप किसी को कैश अमाउंट देते भी हैं तो प्लीज़ उसका लिखित में रिसीविंग ज़रूर ले लें। तो चलिए दोस्तों, मान लीजिए आपने किसी को पैसे दिए हैं, वो आपके पैसे देने के लिए मना करता है, उसका इरादा नहीं है आपको पैसे देने का, मगर आपने उसको पैसे दिए हैं, आपकी मेहनत के पैसे हैं, आपको वापस तो लेने हैं। मगर मान लीजिए वो आपके पैसे नहीं देता है तो आपको लीगली तरीके से उससे पैसे कैसे निकलवाने हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए आपने उसको इन्फॉर्म किया 3-4 बारी, 5 बारी, 10 बारी, 20 बारी, मगर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो ऐसी कंडीशन में आप लीगल एक्शन क्या ले सकते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले एक ये काम करना चाहिए कि आपको उस बंदे को जिसको आपने पैसे दिए हैं उसको लीगल नोटिस भिजवाना चाहिए। ये आप एडवोकेट के थ्रू एक लीगल नोटिस बनवाएंगे, और जितने पैसे आपने उसको दिए हैं, जिस भी रिगार्डिंग दिए हैं, और चेक के थ्रू दिया है, कैश दिया है, NEFT किया है, बैंक ऑनलाइन किया है, आप उसकी पूरी डिटेल्स उस लीगल नोटिस में भरकर उस बंदे को पोस्ट करवाएंगे, मेल करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे। इन सभी का प्रूफ आप अपने पास रखेंगे, आपको उस बंदे को लीगल नोटिस भेज दिया आपने, ठीक है। अब क्या होगा, अब दोस्तों 15 दिन के अंदर अंदर जब उस बंदे ने वो लीगल नोटिस उस बंदे को मिला, उस 15 दिन के अंदर अंदर उस डेट से, जैसे मान लीजिए मैंने उस बंदे को लीगल नोटिस भिजवाया, जिस दिन उसने वो लीगल नोटिस प्राप्त किया उसके 15 दिन के अंदर अंदर उसको जवाब देना ही पड़ेगा उस लीगल नोटिस का, कि मैं आपको पैसे इतनी डेट को दे दूंगा, मुझे कुछ टाइम दीजिए, या मैं इंस्टॉलमेंट में दूंगा, व्हाटएवर इट इज। 15 दिन के अंदर अंदर आपको वो रिस्पॉन्स देगा जरूर। अब मान लीजिए कि उसका इरादा ही नहीं है आपको पैसे देने का, अब क्या होगा, तो दोस्तों 15 दिन के अंदर अंदर वो आपको अगर जवाब नहीं देता है उस लीगल नोटिस का, तो केस बिल्कुल आपके फेवर में होगा। कोर्ट ये मानती है कि अगर लीगल नोटिस भिजवाया है तो जिसने पैसे लिए हैं उसको 15 दिन के अंदर अंदर जवाब देना जरूरी होता है। अगर वो जवाब नहीं देता है तो लीगल नोटिस का एक फायदा ये होता है कि 15 दिन के अंदर जवाब नहीं देता है तो केस आपके फेवर में होगा। अब 15 दिन के अंदर वो जवाब नहीं देता है तो आप कोर्ट में जाकर केस दर्ज कर सकते हैं उस बंदे के खिलाफ, तो उसमें आपको सभी एविडेंस प्रूफ लगाने होंगे, लीगल नोटिस भिजवाने की स्लिप, व्हाट्सएप की स्लिप, मेल की स्लिप, ये सभी, और जो आपने जिसके थ्रू उसको पेमेंट किया है, चेक के थ्रू किया है, ये सब चीज़ें एविडेंस के तौर पे लगाकर कोर्ट में केस फाइल करना होगा, फिर कोर्ट आपको आपके पैसे दिलवाता है।
तो दोस्तों होप आपको समझ आया होगा कि अगर आपके कोई पैसे नहीं देता है तो आप लीगली एक्शन लेके कैसे किसी से अपने पैसे निकलवा सकते हैं। तो होप दोस्तों आपको इस वीडियो से पता चल पाया होगा कि अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं तो लीगली तरीके से उससे पैसे कैसे निकलवाएं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है और वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसे ही बेसिक लीगल इन्फॉर्मेशन देखने के लिए। दोस्तों मिलते हैं बहुत ही अच्छे लीगल इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस रेड बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।